अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आप सबकी सर्दियों की छुट्टियाँ कैसी गुजरी? इस बार तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ गए सर्दियों की छुट्टियों में घूमने? तो मुझे बताइएगा आप लोगों ने अपनी सर्दियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी? जी तो प्रेप क्लास, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लफ्ज़ी गिनती। क्या आप लोगों को पता है लफ्ज़ी गिनती क्या होती है? लफ्ज़ी गिनती उर्दू में गिनती करने को कहते हैं। जैसे हम लोग मैथ में काउंटिंग करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह हम लोग उर्दू में लफ्ज़ी गिनती करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको पता है लफ्ज़ी गिनती को हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। रोज़ हम जो छोटे छोटे जुमले बोलते हैं उनके अंदर भी हम लफ्ज़ी गिनती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, जैसे वो दो दरख्त हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आज 3 बजे से बारिश हो रही है। तो इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों में, अपनी रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ों में लफ्ज़ी गिनती का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चले सीखते हैं लफ्ज़ी गिनती को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है एक कॉपी और एक पेंसिल, और उसके बाद ये वीडियो अपने सामने रखनी है और इसको देखना है और इससे सीखना है। शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्रेप क्लास, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? कोई मुझे बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है? कौन बताएगा मुझे? ये लिखा हुआ है एक। क्या लिखा हुआ है ये? एक, एक। एक के अंदर हमने कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल किए हैं जिनको जोड़कर एक बना है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? तो बताएं फिर, कौन कौन से हर्फ हमने जोड़े हैं जिसको जोड़कर एक बना है? सबसे पहले एक में हमने लिखा अलिफ। सबसे पहले क्या आ गया? अलिफ।